व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे सहित अन्य व्यापारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें यातायात व्यवस्था, व्यापारियों की सुरक्षा तथा व्यापार कर में आने वाली दिक्कतें मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस मौके पर एडीएम प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उसका निस्तारण तत्काल किया जाए, जिससे व्यापारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े। तो सर, ऐसे में हम लोग व्यवसाय कैसे करें? माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का भी हम लोग तय ही समझे ऊपर हो गया, नाली बन गई है लेकिन प्लास्टर नहीं हो पाया नाली का। यदि सर वो नहीं करते हैं तो मतलब नहीं तो ये तो क्या है, एक साल से लंबित है जी, एक आदेश एक साल भी भारत वाला काम तो बंद हो गया है। कोई अभी 25 दिन पहले एक घटना सुनाई थी कि एक व्यापारी के साथ एक लाख रुपए तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि लगवा लीजिए। 700-800 दुकानें हैं, दवा की दवाओं का कारोबार परमानेंट वहाँ रहा ही, जब से एसएसपी साहब गए सलाम आते हुए तभी कटा गया। सर श्री मनोज कुमार गुप्ता के विद्युत संयोजन के संबंध में एक प्रत्यावेदन इनके द्वारा 18 को दिया गया था, 1,26,000 जमा भी हो गया है। डीएम महोदय के निर्देश पर 9,09,000 का आदेश निर्धारण किया गया है। विद्युत विभाग विद्युत आपूर्ति 22 घंटे दिखाई गई, जबकि इसमें भी हुआ है आदेश मिला नहीं है, 2,65,000 तक फाइनल हो रहा है, अभी आदेश मिला नहीं है, 2-4 दिन मिल जाएगा तो फाइनल कर रहा है। जाम वाली बात हो रही है ना, जो फालतू लोग पड़े हैं कहाँ पटाएंगे ना, पार्किंग कुर्सी और सब है जो कब्जा किए हैं रोड पे, पब्लिक नहीं चल पा रही है या कुछ हमेशा जाम रह रहा है, तो आप ही ना चलान करेंगे। मार्ग पर अतिक्रमण और गंदगी है, शास्त्री चौक कंपनी चौराहा पर डेलो का अतिक्रमण हो रहा है, ट्रेन की आय से